गुड इवनिंग। आज देखिए एक जो नोटिफिकेशन है जिसके अंदर वैकेंसी आपका ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपका, देखिए सबसे जो आपका पोस्ट है इसमें नाविक जनरल ड्यूटी, दूसरा हो गया आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, और तीसरा जो वैकेंसी आपका यांत्रिक जो कोस्ट गार्ड में है, यांत्रिक जो आपका मैकेनिकल जो आपका टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, मैकेनिक जो टेक्नीशियन का जो पोस्ट है यांत्रिक, ठीक है। ये आपका जो बैच होगा 1 जनवरी 2023 का फर्स्ट बैच के लिए इसका सिलेक्शन किया जा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन जो है आवेदन जो मांग किया गया है उसमें देखिए आपका 8 सितंबर 2022 से लेकर आपका 22 सितंबर 2022 शाम को जो है 5:30 बजे तक आपका लास्ट एप्लीकेशन 22 सितंबर तक आपका अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और ये जो वैकेंसी 3 प्रकार का जो पोस्ट दिया गया है इसमें जो वैकेंसी आपका 300 वैकेंसी है, 300 आपका पोस्ट है, ठीक है। इसमें मैं आपको डिटेल्स इसमें दिखा दूंगा कौन सी पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, और इन्हीं जो पोस्ट के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका ये जो पोस्ट है आपका नाविक जनरल ड्यूटी 10+2, आपका नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है इसमें आपका 10th पास चाहिए, और यांत्रिक ट्रेड के लिए आपका 10+ आपका डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपका 10+2 और डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है जो तीनों प्रकार की जो पोस्ट के लिए है, ठीक है। और विस्तृत से जानकारी मैंने इसमें डिस्कस करूँगा। इसमें देखिए तीनों प्रकार की जो खास करके 10th से लेकर जो 12th और डिप्लोमा किए हुए जो कैंडिडेट्स अभी तक अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उनके लिए एक बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर जो तमाम चीज़ें मैं आपका डिस्कस करूंगा, ये जो तीनों प्रकार वैकेंसी का जो पोस्ट का वैकेंसी डिटेल्स कवर करूंगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या रहेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका किस आधार पर बनेंगे, और मेडिकल जो टेस्ट होगा, मेडिकल जो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा उसमें आपको क्या क्या चेक जो है चेकअप्स करवाए जाएंगे, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगा। इसमें देखिए जो तीनों पोस्ट के लिए आपका जो बेनिफिट्स है, जो सैलरी और एडिशनल बेनिफिट्स का कुछ पॉइंट्स सबसे पहले मैं रखना चाहता हूँ, सभी कैंडिडेट्स को ये पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। और दूसरी आपका परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, ठीक है। इसमें देखिए आपका पे स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल क्लियर है, उसके साथ साथ आपका डीएनएस अलाउंस रहेगा, आपका अदर जो आपका जो जैसे प्लेस ऑफ पोस्टिंग हार्डशिप अलाउंसेस जो भी है आपका वो प्लेस के हिसाब से हार्डशिप अलाउंसेस, तमाम आपका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, टिपिटल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ठीक है, ये तमाम अलाउंसेस के साथ साथ आपका जो इन एडिशन देखिए आपका चिल्ड्रेन एजुकेशनल अलाउंसेस, आपका बच्चों की पढ़ाने की जो अलाउंसेस रहेगा, उसके अलावा जो आपका मेडिकल फैसिलिटी में आपका खुद का मेडिकल फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, आपका जो पेरेंट्स आपका जो बच्चे हैं उनको मिलेंगे, फ्री एकोमोडेशंस मिलेगा आपके लिए, आपका परिवार के लिए फ्री एकोमोडेशंस मिलेंगे। उसके साथ साथ आपका देखिए न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका जो पेंशन मिलेंगे, आपका इंश्योरेंस कवर 50 लाख रुपया इसमें आपका इंश्योरेंस कवर भी रखा गया है, ठीक है। तो उसके साथ जो आपका कैंटीन फैसिलिटीज वो भी आपको उपलब्ध है, इसमें तमाम फैसिलिटीज इसमें दिया गया है, ये जो पोस्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। अभी इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले, डिटेल जानकारी को डिस्कस करने से पहले, मेरा देश के तमाम जो कैंडिडेट्स है जो खास करके इस तरह की जो पोस्ट के लिए, इस तरह की नौकरी के लिए जो अपेक्षित कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे पहले निवेदन करूंगा, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहा है या पहले से विजिट करते आ रहा है बट सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग जॉब से रिलेटेड डेली अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ इसका बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल के लिए आप पर्सनलाइज हो जाए, ताकि यहाँ से जॉब से रिलेटेड चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन अपलोड करते हैं आपको इमीडिएट जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सेकेंड चीज कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो पक्का इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, आपका फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए अभी चलते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ठीक है। अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को शुरू करने से पहले और एक बार सभी अभ्यर्थी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि एक वीडियो में आपका पूरी जो
डिटेल से इस नोटिफिकेशन का मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कंडीशन के अंदर सबसे पहले इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डिमांड किया गया, इसमें इंडियन सिटीजन सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर पाएंगे। पोस्ट है आपका नाविक या जनरल ड्यूटी, नाविक आपका डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक, तीन प्रकार का आपका पोस्ट है। इसके लिए आपका रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपका नाविक जनरल ड्यूटी, इसमें 10+2 चाहिए आपका मैथ एंड फिजिक्स से, मैथ एंड फिजिक्स इसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, 10+2 आपका रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो पोस्ट यहाँ पे देखिए जो नाविक आपका डोमेस्टिक ब्रांच है, इसमें देखिए 10th स्टैंडर्ड पास आउट चाहिए। ठीक है, सिर्फ सिंपली जो है आपका 10th पास चाहिए। बट जो थर्ड पोस्ट आपका यांत्रिक है, इसमें देखिए दो तरह के आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे पहला जो कैंडिडेट्स 10th पास किए हैं उसके साथ साथ डिप्लोमा किए हैं, 10th के बाद 2 इयर्स 3 इयर्स और 4 इयर्स का जो डिप्लोमा किए हैं, यहाँ पे देखिए डिप्लोमा आपका इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो और पावर, इससे जो कैंडिडेट्स 3 साल और 4 साल का अपना डिप्लोमा किए हैं वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। अन्यथा अगर ये नहीं है, कोई कैंडिडेट्स अगर 10th और 12th दोनों पास किए हैं, ठीक है, उसके बाद अगर इन्होंने डिप्लोमा किया है आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से किया है, अगर 10+2 करने के बाद अगर डिप्लोमा वो 2 साल की डिप्लोमा किया है या 3 साल की डिप्लोमा किया है, जो डिप्लोमा कोर्स है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से होना चाहिए, तो भी वो कैंडिडेट्स जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो आपका जैसे मैं बताना चाहूँगा, इसमें देखिए जो लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा इसमें दिया गया है, आपका लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा का भी दिया गया है। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है उसका ये तमाम जो है आपका इक्विवेलेंट डिप्लोमा है, तो इस तरह के जो डिप्लोमा जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा जो किया है वो कैंडिडेट्स भी आवेदन कर पाएंगे। सेम देखिए आपका यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है उसका यहाँ पे जितना दिया गया है, ये जो ये जितने दिए गए हैं यह आपका इक्विवेलेंट डिप्लोमा है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो ये डिप्लोमा ये जो डिप्लोमा अगर किया है मैकेनिकल से इक्विवेलेंट जो डिप्लोमा किया है वो कैंडिडेट्स भी इसमें इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सेम देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका टेलीकम्युनिकेशन रेडियो एंड पावर से डिप्लोमा देखिए ये जितने डिप्लोमा दिया गया है इस डिप्लोमा से जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा है वो कैंडिडेट्स भी आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका आता है एज लिमिट, एज लिमिट की बात करें सभी कैंडिडेट्स का 18 से देखिए 22 साल आपका होना चाहिए। ठीक है, और आपका देखिए नाभिक जीडी नाभिक आपका डोमेस्टिक ब्रांच यांत्रिक के तीनों के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनका जन्म का तिथि देखिए 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के अंदर उनका जन्म का तिथि होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए इसके अलावा जो 18 से 22 साल की जो उम्र रखा गया है उसके अलावा 5 साल की जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स है, 3 साल की रिलैक्सेशन जो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन जो है दिए जाएंगे। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसका वैकेंसी डिटेल्स। देखिए सबसे पहला पोस्ट आपका नाविक जनरल ड्यूटी, इसमें 225 वैकेंसी है। ठीक है, 225 वैकेंसी में 35 एससी आपका 32 हो गया एसटी 48 ओबीसी 23 आपका ईडब्ल्यूएस 87 आपका हो गया जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो आपका नाविक आपका डोमेस्टिक ब्रांच इसके देखिए 40 वैकेंसी है, 40 वैकेंसी से 3 आपका एससी 6 आपका एसटी 10 आपका ओबीसी आपका 5 आपका ईडब्ल्यूएस 16 आपका देखिए 16 जो है आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसमें जो यांत्रिक है जो यांत्रिक को 3 भागों में बांटा गया है जैसे आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी आपका टोटल 9 है, 2 एससी 1 एसटी 2 आपका ओबीसी आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, 4 आपका जनरल। उसी तरह भी बात करेंगे आपका देखिए जो इलेक्ट्रिक आपका यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 10 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी एससी 1 वैकेंसी एसटी 3 ओबीसी आपका देखिए आपका 3 हो गया जनरल के लिए। उसी तरह आपका यांत्रिक मैकेनिकल उसमें देखिए 16 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी आपका एससी ठीक है 7 वैकेंसी इसमें दिया गया है आपका ओबीसी 1 वैकेंसी आपका ईडब्ल्यूएस 5 वैकेंसी आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है रिजर्व रखा गया है। यहाँ में देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस है आपका देखिए आपका 4 स्टेजेस में किए जाएंगे, 4 स्टेजेस 1 स्टेजेस 2 स्टेजेस 3 और स्टेजेस 4 में जो आपका सिलेक्शन इसमें किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ में देखिए
यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका देखिए इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपका देखिए, जब ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो बात करूँगा आपका डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ आपका सीजीपीटी यहाँ पे देख सकते हैं। जो कोस्ट गार्ड आपका जो कोस्ट गार्ड हो गया एनरोल पर्सनल टेस्ट है, यहाँ पे देखिए जो सीजीपीटी है आपका कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट आपका पर्सनल टेस्ट है वो देख, सबसे पहला आपका स्टेज वन रहेगा रिटर्न एग्जामिनेशन। सबसे पहला जो स्टेज वन में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका भी जो प्रोविजनली जो पास उसमें जो नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे वो प्रोविजनली पास और फेल, उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएंगे, संपूर्ण डॉक्यूमेंट को नहीं किया जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए जो प्रोविजनली जो डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई किए जाएंगे जब आप स्टेज वन के लिए पहुँचेंगे उसमें देखिए आपका वैलिड ओरिजिनल जो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड इसमें होना चाहिए और आपका जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। देखिए फॉर SC/ST कैंडिडेट्स ओनली, उनके लिए ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट और 2 फोटोकॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड आपका SC/ST सर्टिफिकेट का 2 फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अभी बात करेंगे, देखिए आपका देखिए कैंडिडेट्स हैज टू टेक द फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट जो पोस्ट अप्लाइड आपका देखिए कौन सी जो टेस्ट करवाए जाएंगे, जो आपका सबसे पहला टेस्ट जो करवाए जाएंगे उसमें आपका देखिए 5 सेक्शंस रहेंगे, बट हर एक पोस्ट के लिए 5 सेक्शन नहीं है, हर एक पोस्ट के लिए जो आपका ये 5 जो आपका पहले हो गया आपका नाभिक GD नाभिक DB और जो यांत्रिक का 3 प्रकार जो पोस्ट है, इन इन जो 5 प्रकार की जो वैकेंसी को मिला के आपका 5 सेक्शन रखा गया है, बट हर एक पोस्ट के लिए 5 सेक्शन नहीं है रिटर्न एग्जामिनेशन में। देखिए आपका सबसे नाभिक जो DB है जो डोमेस्टिक ब्रांच है उनको जो रिटर्न टेस्ट एक सेक्शन में देखिए उसमें 30 मार्क रखना होगा, 30 मार्क जो आपका ऑन रिजर्व EWS और जो OBC कैंडिडेट्स है उनको 30 मार्क्स रखना होगा, जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनके लिए 27 मार्क रखना होगा, ठीक है। आपका जो पहला स्टेज रिटर्न एग्जामिनेशन इसमें सेक्शन 1 जो नाभिक आपका डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। नेक्स्ट देखिए आपका जो नाभिक आपका जनरल ड्यूटी उनके लिए देखिए सेक्शन 1 और 2 इनका जो पेपर होगा रिटर्न टेस्ट होगा उसमें 2 सेक्शंस रहेंगे 1 और 2 रहेंगे, ठीक है। 1 टेस्ट में देखिए सेक्शन 1 में जो EWS ऑन रिजर्व OBC कैंडिडेट्स के लिए सेक्शन 1 में 30 मार्क रखना होगा, सेक्शन 2 में 20 मार्क रखना होगा, टोटल 50 मार्क उनको रखना होगा, बट हर एक सेक्शन में उनको जो मार्क बताया गया उतना मार्क कंपलसरी रखना ही रखना होगा, उससे कम रखने वाले जो कैंडिडेट्स को आउट कर दिए जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस से, फर्दर स्टेजेस के लिए उनको नहीं किए जाएंगे। नाभिक जनरल ड्यूटी जो SC/ST कैंडिडेट्स है उनके लिए देखिए सेक्शन 1 में 27 मार्क और सेक्शन 2 में उनको 17 मार्क रखना, टोटल 44 मार्क रखना जो है मैंडेटरी है कंपलसरी है। उसी तरह देखिए आपका जो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल है उनके लिए 2 सेक्शन है सेक्शन 1 और सेक्शन 3, ठीक है, उनका जो रिटर्न टेस्ट 2 सेक्शन में होगा उसमें देखिए सेक्शन 1 में जो अनरिजर्व कैटेगरी EWS कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए सेक्शन 1 में 30 मार्क सेक्शन 2 में 20 मार्क्स रखना अनिवार्य होगा। जो SC/ST कैंडिडेट है सेक्शन 1 27 और सेक्शन आपका 3 में 17 मार्क रखना अनिवार्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें देखिए ये देंगे सेक्शन 1 और सेक्शन बी इनका रिटर्न एग्जामिनेशन में 2 सेक्शन होंगे। देखिए सेक्शन 1 में देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए सेक्शन 1 में देखिए 30 मार्क और सेक्शन जो आपका 4th है उसमें 20 मार्क रखना, टोटल 50 मार्क रखना अनिवार्य होगा। उसमें देखिए जो SC/ST कैंडिडेट्स है यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 में 27 और सेक्शन जो 4th में 17 मार्क, टोटल आपका 44 मार्क रखना जो है अनिवार्य होगा। यहाँ पे देखिए यांत्रिक जो मैकेनिकल इसमें देखिए सेक्शन आपका 1 और 5th होगा, ठीक है। इसमें देखिए जो अनडिजर्व EWS आपका OBC जो कैंडिडेट्स है उनके लिए देखिए आपका 30 मार्क आपको रखना होगा जो है अनडिजर्व आपका सेक्शन 1 में और आपका सेक्शन 5 में देखिए ये आपका 20 मार्क, टोटल 50 मार्क रखना होगा। जो SC/ST कैंडिडेट्स है आपका 27 रखना होगा सेक्शन 1 में और सेक्शन जो 5 में बी में आपका जो है 17 मार्क रखना होगा।
ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए अलग से आपको पास करना जो कंपलसरी है। यहाँ पे देखिए द डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्शन, वेरियस सेक्शन में आपका देखिए कितना क्वेश्चन कितना टाइम आपका रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए आपका सेक्शन वन में जो मिनिमम आपका मार्क्स रहेगा आपका 60 मार्क रहेगा, टाइम आपको 45 मिनट्स दिया जाएंगे और आपको दिया जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 60 क्वेश्चन होंगे, उसमें मैथ में 20, साइंस से 10, इंग्लिश में 15, रीजनिंग से आपका 15 और आपका जनरल नॉलेज में 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी जैसे बता दिया हूँ कौन सी से आपको कितने मार्क जो है रखना होगा। सेक्शन टू देखिए, सेक्शन टू में मैक्सिमम क्वेश्चन 50 रहेगा, 30 मिनट समय दिया जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 50 रहेगा। आपका मैथ 25 मार्क आएगा, फिजिक्स आपका 25 मार्क आएगा। सेक्शन थ्री की बात करें, देखिए आपका मैक्सिमम मार्क रहेगा 50, उसमें समय 30 मिनट दिया जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका 50 क्वेश्चन इसके ऊपर आपका रहेंगे, ठीक है। देखिए फोर्थ सेक्शन में आपका, देखिए जो फोर्थ सेक्शन आईबी सेक्शन में मैक्सिमम मार्क 50, टाइम 30 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 दिया जाएंगे। आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर 50 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन, 30 मिनट का समय और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 50 रहेंगे, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देखिए उसके बाद जो कैंडिडेट्स आपका स्टेज टू के लिए जो सिलेक्शन होंगे, देखिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट एक बनाए जाएंगे और जो प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड भी आपको फॉर स्टेज टू के लिए जो है इशू किए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स उनका स्टेज वन का परफॉर्मेंस के मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्ट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्टेज टू के लिए, उनको प्रोविजनल एडमिट कार्ड जो है उनको लागू किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो स्टेज टू में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका स्टेज टू में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट चेक करवाए जाएंगे, जो आपका प्रोविजनली पास और फेल देखा जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो उसमें आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर आपका 1600 मीटर का रन कंप्लीट करना होगा 7 मिनट के अंदर, उसके बाद 30 स्क्वाट्स अप आपको मानने होंगे, जो उठक बैठक आपको आपका 20 उठक बैठक आपको करना होगा और 10 पुशअप्स आपको देनी होगी, ठीक है। ये दोनों आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, जो मिनिमम आपको 20 उठक बैठक और 10 पुशअप जो है आपको करनी होगी, ठीक है। ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट चेक किए जाएंगे, उसके बाद उसमें कुछ पार्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए आपको जो है लिए जाएंगे, ठीक है, जो सेकंड स्टेज के लिए आएंगे, वो भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो सिर्फ आपका पास और जो फेल उसमें दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद आता है जो कैंडिडेट उसमें रिजेक्शन होंगे, स्टेज टू में जो रिजेक्शन हो जाएंगे उनका, देखिए इसमें जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट में उनका लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा, वो कैंडिडेट्स अपना इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी आपका प्रोविजनल पास और फेल इसमें देखा जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए आपका शेड्यूल ऑफ कंडक्ट ऑफ आपका जो इनिशियल मेडिकल आपका जो है मैं चेंज और मैं भी को ज्वाइंट हुई थी आपका फाइनल मेडिकल। देखिए आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन दो तरीके से आपको लिया जा सकता है, एक प्री मेडिकल एग्जामिनेशन इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन मोटे तौर पे आपको देखा जा सकता है, या इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन को आपका ना करके एक साथ आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका स्टेज थ्री, स्टेज थ्री के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा ये होगा जो आपका स्टेज वन और स्टेज टू के जो परफॉर्मेंस के आधार पर जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे, ठीक है, वो कैंडिडेट्स को आपका स्टेज थ्री के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड, जो प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड उनके लिए जारी किया जाएगा फॉर स्टेज थ्री आपका स्टेज थ्री के लिए। अच्छा स्टेज थ्री के अंदर देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको जो इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ पार्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा जो कि पास और फेल के नेचर का रहेगा। यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट स्टेज थ्री में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो रिजेक्ट होंगे उनका लिस्ट यहाँ पे अपलोड किया जाएगा वेबसाइट में, जो कैंडिडेट इसको चेक कर सकता है। यहाँ पे देखिए फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का, देखिए फाइनल जो आपका मेडिकल चेकअप करवाए जाएंगे वो इंडियन नेवल शिप चिल्का में करवाए जाएंगे, फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा। और यहाँ पे देखिए
जो कैंडिडेट्स आपका फिट पाए जाएंगे, ठीक है, उनको जो है इसमें ट्रेनिंग के लिए उनको जो है जो कैंडिडेट्स फिट पाए जाएंगे उनको ट्रेनिंग के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब उनको फाइनली ज्वाइनिंग दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स टेम्परली अनफिट होंगे उनको एक चांस अपील करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, मेडिकल रिव्यू कराने के लिए एक चांस उनको दिया जाएगा, ठीक है, वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, रीमेडिकल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबमिशन ऑफ ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन, अदर एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे ऑल जो कैंडिडेट्स आर जो आर टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा, अदर जितना भी आपका एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट है विथ ई एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज थ्री, ठीक है, स्टेज थ्री का जो ई एडमिट कार्ड, आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आपका ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। स्टेज फोर में देखिए कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज थ्री, जो कैंडिडेट्स आपका स्टेज थ्री तक क्लियर करेंगे और जो मेरिट में आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी जो है, वैकेंसी के आधार पर जो कैंडिडेट्स, उसी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए सीधा INS चिल्का में उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए जो डेट है 8 सितंबर 2022 से लेकर आपका 22 सितंबर 2022 तक जो है आप कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की जो वेबसाइट इसमें दिया गया है, ठीक है। और आवेदन करते समय जो आपका एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये कम से कम आपका 31 अगस्त 2023 तक वैलिड होना चाहिए। जो आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर देंगे वो वैलिड नंबर, जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कम से कम 31 अगस्त 2023 तक एक्टिवेट पोजीशन में होना चाहिए, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस के तमाम जानकारी जो SMS या मेल के जरिए आपको दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली, इसमें कोई भी कैंडिडेट जो डाउट में ना रहेगा, चाहे एक पोस्ट के लिए अप्लाई करूं या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरली आपको बताया गया है कोई भी कैंडिडेट्स सिर्फ एक पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर पाएगा। यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद जो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए, देखिए स्टेज वाइज इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है। जो कैंडिडेट्स इसको समझना चाहते हैं इसको यहाँ पे थोड़ा क्लियरली पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए आपको यहाँ पे देखिए वीडियो को कुछ डॉक्यूमेंट आपका जो इनिशियल स्टेज पे आपको अपलोड करना होगा, और कुछ जो है जैसे अपलोड करेंगे जब आपको सेकेंड स्टेज के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो उस टाइम आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले देखिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग आपका फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया है, जब आप शुरुआत में जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस टाइम ये डॉक्यूमेंट जो है आपको कंपलसरी जो है अपलोड करना होगा। नेक्स्ट देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका स्टेज वन क्लियर हो जाएंगे, जब आपका स्टेज टू के लिए आपको जब शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तब उसी टाइम देखिए ये डॉक्यूमेंट जो मैं बताना चाहूँगा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट को आपका स्टेज टू के लिए जब आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट में देखिए आपका नाभिक GD के लिए ये डॉक्यूमेंट करना होगा, आपका यांत्रिक जो कैंडिडेट्स है उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट जो स्टेज है आपका लिस्ट ऑफ आपका जो है ऑप्शंस और डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स क्लेमिंग एनी कैटेगरी बेनिफिट। जो कैंडिडेट्स कैटेगरी बेनिफिट जैसे आपका SC ST या OBC कैटेगरी का अगर बेनिफिट चाहते हैं, या स्पोर्ट्समैन का या एक्स सर्विसमैन का अगर बेनिफिट चाहते हैं, वो कैंडिडेट्स ये डॉक्यूमेंट जो है आपका स्टेज टू के समय आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए जो साइज ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करेंगे जो साइज रहेंगे वो 10 KB से लेकर आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट जो आप ये करेंगे। डेट इशू ऑफ ऑल आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, देखिए आपका डेट जो होगा ये देखिए 22 सितंबर क्लोजिंग डेट जो रखा गया है, 22 सितंबर 2022 तक आपका जितने भी जो डॉक्यूमेंट आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, सभी का डेट जो है 22 सितंबर से पहले या लास्ट जो है 22 सितंबर तक का होना अनिवार्य है। और जो डॉक्यूमेंट आप जो डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट में आपका वैलिडिटी दिया होगा वो डॉक्यूमेंट देखिए आपका 31 अगस्त 2023 तक वैलिड होना अनिवार्य है, जिसमें वैलिडिटी जो डॉक्यूमेंट में दिया गया है।
अच्छा, इसमें नेक्स्ट एक चीज़ जो बड़ी चीज़ बात करना चाहूँगा, जैसे ये आपका वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है, ठीक है, इसमें देखिए ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं, खास करके उनका जो डॉक्यूमेंट है वो जो है दो लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी में होना अनिवार्य है। अगर इसके अलावा किसी अदर राज्य से जो कैंडिडेट्स, जैसे हिंदी इंग्लिश को छोड़कर अगर किसी अन्य किसी लैंग्वेज में है, तो वो उसका इंग्लिश का एक ट्रांसलेटेड कॉपी और उसके साथ उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस लैंग्वेज में बना हुआ है, जैसे मान लो तमिलनाडु का कैंडिडेट्स अप्लाई करेगा, अगर उनका कोई सर्टिफिकेट तमिल में लिखा हुआ है, तमिल का डॉक्यूमेंट भी साथ में होगा और उसके साथ तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड एक कॉपी होगा, ठीक है, वो दोनों कॉपी जो है वो अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे जो है वो दोनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जमा करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका एग्जामिनेशन फीस देखिए आपका 250 रुपया रखा गया है, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे देखिए, और जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं इनको लिए कोई ऑब्जेक्शन एग्जामिनेशन फीस रखा नहीं गया है, एस सी एस टी कैंडिडेट्स को छोड़ के बाकी जितना भी कैटेगरी है वो 250 रुपये फीस जो है उनको देना होगा। जो ये फीस को ऑनलाइन जो है यूजिंग आपका नेट बैंकिंग, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आपका ई एडमिट कार्ड तभी आपको इशू किए जाएंगे जब आपका एप्लीकेशन फी जो है आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड को जो है प्राप्त हो जाएंगे। एग्जाम सिटी, आपका एग्जामिनेशन सिटी जो है आपको 5 जो सिटी जो है आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं, जो जो कैंडिडेट्स है जो इज टू गिव द 5 आपका प्रेफरेंस दे सकते हैं एग्जाम सिटी इन द एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1 स्टेज 2 प्रोसेस। स्टेज 1 और स्टेज 2 प्रोसेस के लिए आप 5 एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका 30 किलोमीटर से या 30 किलोमीटर के आसपास जो सेंटर है आप अपना 5 सेंटर इसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जैसे मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है, जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है आपका आपका एग्जामिनेशन का और आपका डाउनलोडिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड, ठीक है, इसका शेड्यूल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे जो स्टेज 1 का जैसे मैं बताना चाहूँगा आपका स्टेज वन का जो आप जो कैंडिडेट स्टेज 1 के लिए आएंगे वो देखिए आपका मिडिल या एंड ऑफ नवंबर 2022 के आसपास आपका टेंटेटिव आपका जो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे। जो स्टेज 2 होगा ये आपका मिडिल या एंड ऑफ जनवरी 2023 आपका स्टेज 2 का तमाम कार्रवाई करवाए जाएंगे, या जो स्टेज 3 होगा यहाँ पे देखिए एंड ऑफ अप्रैल या आर्ली ऑफ मई, ये देखिए लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ आपका जो मई 2023 तक आपका थर्ड स्टेज का जितने भी एक्टिविटीज वो करवा दिया जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी जो होगा डिस्प्ले होगा, देखिए आपका जो स्टेज 1 से 10 दिन से पहले आपका जो स्टेज वन का जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे उसका 10 दिन पहले से आपका हर जो एग्जामिनेशन सेंटर आपको वेबसाइट में शो करेगा और आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है 5 एग्जामिनेशन सेंटर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका ई एडमिट कार्ड जो है रजिस्टर्ड ईमेल जो ईमेल आईडी पे 2 से 3 दिन एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आपको ईमेल आईडी में भी आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन, जो भी रिजल्ट डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज एग्जामिनेशन जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो है 1 से लेकर 3 तक जो है ये आपका कैन बी अपलोडेड जो होगा आपका अपलोडेड जो कर दिए जाएंगे जो आपका ICG इंडियन पोस्ट कार्ड का जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट में आपका टाइम टू टाइम जो है अपलोड होते रहेगा। आपका देखिए लिस्ट ऑफ आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच स्टेज हर एक स्टेज के लिए आपको कौन सी डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पे स्टेज 1 के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा, स्टेज 2 के लिए आपको कौन सी डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा, या आपका स्टेज 3 के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगा, इसमें देखिए तमाम डॉक्यूमेंट वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके इसको आप खुद ही जो है इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, जब मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा सबसे पहले आपका हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, आपका हाइट जो है नॉर्मली 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, बट जो कुछ स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की छूट दिए जाएंगे और कुछ स्टेट का जो है उनको 2 सेंटीमीटर का हाइट में छूट दिए जाएंगे। देखिए कौन सी स्टेट के कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट दिए जाएंगे, वो कैंडिडेट्स हो गए आपका सबसे पहले हो गया जो कैंडिडेट डोमिसाइल आपका आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आपका गढ़वाल, सिख आपका सिक्किम हो गया, आपका अंडमान हो गया, निकोबार आइलैंड्स,
इनके लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएंगे, ठीक है। बट जो लक्षद्वीप का जो कैंडिडेट्स है उनको 2 सेंटीमीटर का हाइट में छूट दिया जाएगा, और जो चेस्ट होगा वो हाइट के हिसाब से चेस्ट नॉर्मल होगा, बट 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन मतलब आपको फुलाना होगा, और वेट आपका हाइट के हिसाब से नहीं लिए जाएंगे, हियरिंग जो सुनने का आपका नॉर्मल होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग, जो कैंडिडेट्स आपका बेसिक ट्रेनिंग के लिए, जो ये देखिए आपका जनरल ड्यूटी आपका नाविक, जनरल ड्यूटी आपका नाविक हो गया, जनरल ड्यूटी आपका डोमेस्टिक ब्रांच है, और जो यांत्रिक जो पोस्ट के लिए उनका टेंटेटिवली जो शुरू होगा, ये देखिए टेंटेटिवली जो शुरू होगा अप्रैल 2023 या आपका मई 2023 तक एट INS इंडियन नेवल शिप चिल्लिका में आपका जो है बेसिक ट्रेनिंग जो है स्टार्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए सेल्फ प्रेड लिखा है, यहाँ पे अतिरिक्त कुछ जो नोट्स दिए हैं जो कैंडिडेट्स इसको पढ़ना चाहते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो जो है अपने वीडियो को इसको पॉज करके जो कैंडिडेट्स इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए आपका ट्रैवल जो एक्सपेंसेस है, जो आपका घर से जो नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से जो SC ST कैंडिडेट्स, खास करके जो SC ST कैंडिडेट्स है जिन्होंने इससे पहले कोई नौकरी नहीं किए हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को अपना स्टेशन से लेकर जो एग्जाम सेंटर रहेगा वहाँ तक कि आपको सेकंड क्लास ऑर्डिनरी टिकट चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस का, जो आपका टिकट का खर्चा आपको जो है रिइंबर्स कर दिया जाएंगे, मतलब आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभी सबसे बड़ी देखिए आपका पे पर्क्स और आपका एडिशनल बेनिफिट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सिर्फ अभी यहाँ पे जो अदर अलाउंसेस के बारे में बताता हूँ। जो आपका नाविक जनरल ड्यूटी उनका पे देखिए 21,700 जो पे स्केल रहेगा, उसके अलावा आपका DNS अलाउंस और आपका नेचर ऑफ ड्यूटी जो ड्यूटी आपको दी जाती है, ठीक है, आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से तमाम आपका एडिशनल भत्ता जो है आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपका ग्रॉस सैलरी जो फर्स्ट मंथ का बताना चाहूँगा 40,000 से 45,000 तक आपका रहेगा। यहाँ पर देखिए जो नाविक आपका डोमेस्टिक ब्रांच है इनका भी लगभग उतना ही पेमेंट करेगा, 40,000 से 45,000 आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। जो यांत्रिक होंगे उसमें देखिए बेसिक सैलरी जो होगा 29,200, उसके अलावा देखिए जो यांत्रिक पे सैलरी है 6,200, जो ट्रेड का जो 6,200 पे रहेगा, इसका अगर आपका स्टार्टिंग मंथ का अगर कुल सैलरी अगर मैं बात करूँ यह आपका 50,000 के आसपास जो है बन जाएंगे, 50,000 से 55,000 तक आपका जो है लगभग ये जो है बनेगा जो कुल सैलरी है। उसके बाद आपका प्रमोशनल देखिए, प्रमोशन जो होगा जैसे आपका प्रधान अधिकारी, आपका जो लास्ट प्रमोशन है प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर, प्रधान सहायक इंजीनियर जो है जो जिसका लास्ट जो स्केल आएगा आपका 47,600 बेसिक जो पहले बोले 8 के अंदर होगा, ठीक है, और आपका 6,200 जो मिलेंगे आपका यांत्रिक जो पे मिलेंगे, ठीक है। एडिशनल जो बेनिफिट्स है तमाम एडिशनल बेनिफिट्स मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो तमाम चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और लास्ट देखिए आपका जो लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का इसमें 22 सितंबर 2022 रखा गया है, तो इससे आशा करता हूँ जो मेरा देश के तमाम युवा पीढ़ी जो मैं वीडियो में जो सभी जो आपका डिटेल्स जो मैंने कवर किया जो डिस्कस किया आशा करता हूँ 99% आप लोग इन नोटिफिकेशन को समझ जाएंगे। इसके साथ इस नोटिफिकेशन कहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।